ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस मेरी यही दुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह उठकर इन 5 लोगों का मुंह हमें नहीं देखना चाहिए। इनका मुंह देखने के बाद हमें कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है और हमारा दिन जो है वो पूरा अशुभता की ओर जाएगा। ये कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि हम अक्सर ये बात कहते हैं हमारा दिन ख़राब जाता है, तो ये बात हम कहते हैं कि न जाने हमने सुबह किस व्यक्ति का मुँह देखा। तो ये बिल्कुल सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी अगर हम माने इसे, तो बहुत हद तक ये चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इन 5 लोगों का मुंह सुबह से देखने से बचें। अब ये 5 लोग कौन हैं, ये पूरी वीडियो में हम जानेंगे और इसको जानने के बाद आपको शायद बहुत सारी बात चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएगी। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में जैसे ही सुबह उठते हैं तो अनजान लोगों का चेहरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्यतः हमें उन लोगों का चेहरा सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जैसे अनजान व्यक्तियों का। अक्सर आपका बहुत से लोगों का घर सड़क पे है जहाँ से हज़ारों लाखों लोग रोज़ गुजरते हैं, तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आप सुबह उठकर अपनी गैलरी में जाकर किसी अनजान शख्स का चेहरा देखने से बचें। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। सबसे पहली मुख्य बात, अनजान लोगों के चेहरे देखने से बचें। दूसरा है, आप खुद का चेहरा भी कांच में देखने से बचें। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, कांच में खुद का चेहरा देखते हैं, उससे भी आप बचें। तीसरी और मुख्य चीज़ें हैं, उनको नहीं देखना चाहिए, काले वस्त्र हमें सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग काले वस्त्र सुबह उठकर देख लेते हैं, जैसे काले पर्दे हो गए उनके आसपास, तो उससे जितना हो सके उतना आप बचें। चौथी बात है छिपकली। हमारे घर में आमतौर पर छिपकली हमें दिखाई देती है, तो सुबह उठकर ऐसा सिचुएशन ना करें कि हम छिपकली का मुँह देख लें, छिपकली को देख लें, तो इससे बचना है हमें। इससे जैसे जैसे आप बचेंगे, ये कोशिश से सब हम खुद स्वयं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये शुरू होती है कि हम चेहरा देखें किसका। अपने घर के बुजुर्गों का चेहरा देख लें, अपने माता पिता का चेहरा देख लें। अगर कोई नहीं है तो एक कृष्ण भगवान की एक बहुत अच्छी फ़ोटो लगाए, शिव बाबा भोलेनाथ की एक बहुत अच्छी फ़ोटो अपने कमरे में लगाए और सुबह उठकर सीधे शिव जी के दर्शन किए जाए, वो सबसे